बंधु के प्रधान कई मंच पे बड़े बुद्धिजीवी और बड़े बड़े पत्रकार बैठे हैं जिनका मैं सम्मान करता हूं। साथियों, जो विषय आज की परिस्थिति में बड़ा चैलेंज है, मैं सोचता हूं कि पत्रकारिता ही वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अपने आप में चैलेंज हो गई है, क्योंकि जैसा अभी आपके सामने सुरजन जी ने कहा है कि पत्र में पहले विज्ञापन पत्र पे जिसका नाम छप जाता था समाचार पत्र में, उसका अपने आप विज्ञापन हो जाता था, लेकिन मार्केटिंग के जमाने में समाचार पत्र को खुद को अपना विज्ञापन करना पड़ रहा है, तो बड़ी प्रतिस्पर्धा का जमाना आ गया है। मैंने बचपन में देखा था कि पेपर वाले, या समझा था जो पेपर निकालते थे, समाचार पत्र निकालते थे, समाचार पत्र निकालने से ही उनके खर्चे भी चल जाते थे, उनकी बचत हो जाती थी, उसके अलावा भी विज्ञापन मिलता था, उससे एडिशनल बचत हो जाती थी। लेकिन वर्तमान परिस्थिति में जहां तक मेरी जानकारी है कि समाचार पत्र 8-10 रुपए से कम का नहीं पड़ता, और बेचना आपको शायद 2-3-4 रुपए में पड़ता है, और उसके अलावा मार्केटिंग का खर्चा, कमीशन का खर्चा, डिलीवरी का खर्चा, सारा का सारा व्यय वो 2-3 रुपए में आपको कमी देना पड़ता है। यदि 3 रुपए का पेपर समाचार पत्र आपके यहाँ गया तो मैं नहीं सोचता हूँ कि समाचार पत्र के मालिक को 1.5 रुपए से ज्यादा आता होगा, या 1.5 रुपए का पत्र जो बिकता है तो 12 से ज्यादा उसको आते होंगे। अब पत्र पड़ता है 7-8 रुपए में, वो बेचना है 1-1.5 रुपए में, तो परिस्थिति ऐसी है कि विज्ञापन के द्वारा पत्र चलाना है। अब विज्ञापन के द्वारा पत्र चलाना है तो पत्रकार खूब मेहनत कर रहा है, अच्छी से अच्छी खबर निकालना चाहता है, अच्छी से अच्छी खबर छापना चाहता है। मैंने देखा है कि खोजी पत्रकार हुआ करते थे जो अंदर की खबर लाते थे, मेहनत करते थे और हमारे अपने संपादक को देते थे, और पत्र में छपती थी उसका बड़ा सम्मान होता था। ये भी होता था कि कौन सा अखबार लीड ले और कौन से अखबार में पहली वो खबर छपती है, उसका भी बड़ा सम्मान होता था। लेकिन आजकल युग बदल गया है, अखबार के मालिकों के पास खर्चा बहुत बड़ा है, प्रतिस्पर्धा के युग में वो दौड़ रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में कई खबर जो बड़ी मेहनत करके निकाली गई वो कहीं ना कहीं रोकी जाती है, उसको दबाई जाती है, और जब उस पत्रकार की खबर दूसरे दिन अखबार में नहीं आती है तो उसको बड़ी आत्मग्लानी का अनुभव होता है। तो इसलिए मैं सोचता हूं कि पत्रकारिता भी अपने आप में एक चैलेंज हो गया है। आज मेहनत करके आप कितना भी प्रयास कर ले, लेकिन पत्रकारिता कहीं ना कहीं परिस्थिति के अनुसार चल रही है, लेकिन उसके बावजूद भी साथियों हिम्मत से तो काम लेना पड़ेगा। आपने खूब पढ़ाई की है, खूब मेहनत की है, खूब आगे बढ़े हैं, तो आपको खबर को निकालनी पड़ेगी। दूसरी बात आदरणीय रमेश शर्मा जी ने कही, वो भी मेरे मन में बड़ी लगती है, कि एक स्कूल की प्राध्यापिका पे ये एग्जाम लगा दिया गया जल्दबाजी में, ये सेक्स रैकेट चला दिया, और दूसरे तीसरे दिन जब क्लियर स्पष्टीकरण होता है तो पता चलता वो उस इल्जाम में नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं था। अब आप समझे उसको, उस प्राध्यापिका पे क्या गुजरी होगी। छोटा सा एक उदाहरण देता हूं मैं, 2-3 दिन पुराना, ये 8-10 दिन पुराना, मुझे सीहोर से खबर आती है, भैया यहां कार जा रही थी, अश्मी दो लड़कियां बैठी थी, उनके साथ सामूहिक बलात्कार हो गया। मैंने कहा यार ये तो गजब की बात है। दूसरे तीसरे दिन मुझे जानकारी में आता है, जब पेपरों के माध्यम से आदरणीय रमेश बाबू, ये पेपरों के माध्यम से जानकारी में आता है, नहीं साहब वो सामूहिक बलात्कार नहीं था, वो तो कार गलत थी, अपना धंधा कर रही थी। तीसरे चौथे दिन उनको पुलिस पकड़ती जाती है, फिर मेरे को सीओर से फिर फोन आता है, यार वो लड़कियों को पुलिस पकड़ के आसाम ले जा रही थी, और आसाम ले जाती टेम एक लड़की उसमें से ट्रेन से कूद के मरने का प्रयास करा, आत्महत्या करने का प्रयास किया, उसकी हालत गंभीर है। साथियों मेरा आपसे आग्रह है, मेरा आपसे निवेदन है कि समाज की बहुत बड़ी कड़ी है आप, समाज को
विकृतियों से बचा सकते हैं आप, समाज को आगे बढ़ा सकते हैं आप। कुछ छोटी मोटी खबरें उसको इतना तूल न दे कि कहीं ना कहीं आदमी छोटा मोटा चोर है, चोर बनने के लिए मजबूर हो जाए, डाकू बनने के लिए मजबूर हो जाए। किस परिस्थिति में, किस कारणवश कोई महिला या कोई लड़की, हो सकता है कोई गलत कार्य में पड़ गई हो। तो मैं सोचता हूं एक समाज सेवी के नाते या एक पत्रकार होने के नाते आपका या हमारा दायित्व है कि उनको सही दिशा लाने की कोशिश करें। यदि आपने बहुत बड़ी खबर सुर्खियों में फ्रंट पेज पे उसकी छाप दी तो वो वापस लौट के कभी नहीं आ सकेगी, या वो चोर बना है वापस लौट के कभी अच्छा आदमी नहीं बन सकेगा। साथी, आज की परिस्थिति बड़ी विचित्र है और सही बात है कि कहीं संतोष नहीं है। मैंने बचपन में देखा था, हमारे घर में कार नहीं हुआ करती थी, हमारे रिश्तेदार की कार होती थी, हमारे पिताजी समझो 100 रुपए रोज कमाते थे, 50-60-70 में उनका खर्चा, घर का खर्चा चल जाता था, 50 रुपए रोज बचा देते थे, साल भर में बोलते थे मैंने 10-15 हजार रुपए कमा लिए, मैं बड़ा खुश हूं। कार नहीं थी तो यार अपने फलाने रिश्तेदार से कार मंगा के हम टूर पे चले जाएंगे, हमारे यहाँ पार्टी होती तो उसमें चले जाएंगे। लेकिन आज बहुत हालत खराब है, आज प्रतिस्पर्धा का जमाना है, एक कार है तो 2 की चिंता, 2 तो 4 की चिंता, और ये एम्बेसडर है तो इनोवा की चिंता, इनोवा है तो टोयोटा की चिंता। बड़ी परिस्थिति है, जैसा कि इंडिकेट किया गया कोई भी कहीं रुकने को तैयार नहीं है। पत्रकार बड़ा पत्रकार बन जाए या बड़ा मालिक बन जाए तो फिर इंडस्ट्री, फिर कोई दूसरी चीज, कोई तीसरी चीज, ऐसी प्रतिस्पर्धा की दौड़ है जिसका कोई अंत नहीं है। ऐसी परिस्थिति में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए साहब थोड़ा सा बोलना चाहूंगा। कुशवाहा जी, मेरे को समाचार देखने की इच्छा होती है, बच्चों को वो होती नहीं है, तो मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, पोते हैं मेरे, आई एम ए ग्रैंड पा, उन्हें समाचार निकलता दादू उसको बंद करो, मारने लूटने की घटनाएं समाचार चैनल पे ज्यादा आती है, बच्चे घबरा जाते हैं, उनको उसमें इंटरेस्ट नहीं है। तो आप कहीं ना कहीं ऐसा भी कुछ करें जिससे समाज को अच्छी दिशा मिले। मैं मानता हूं कि नेता गलती नहीं करते होंगे ऐसी बात नहीं है, अधिकारी गलती नहीं करते होंगे तो ऐसी बात नहीं है, लेकिन आप थोड़ा सा ऐसा सोचें, ऐसा प्रयास करें कि गलतियां दूर हो। और जहां तक ग्रामीण अंचल का सवाल है, बहुत सी समस्याएं हैं ग्रामीणों की, उनके लिए ऐसी कुछ परिस्थिति पैदा करें कि उससे उनकी शिक्षा भी बढ़े, वो आगे भी बढ़े, उनके गांव की समस्याओं, खड़ंजों की समस्याओं, बिजली की समस्याओं, उसको सकारात्मक रूप से यदि पेश करेंगे तो ईमानदारी से आप गांव का भी विकास करेंगे और प्रदेश का विकास करेंगे। साथियों, बातें बहुत सी हैं, लेकिन यहाँ पे बड़े बड़े बुद्धिजीवी बैठे हैं, मेरा आपसे निवेदन है कि निर्भीकता से, ईमानदारी से सकारात्मक पत्रकारिता करें, और आपकी पत्रकारिता में कहीं ना कहीं ऐसा भी प्रयास हो जिससे हमारा समाज सुसंगठित हो, सुशिक्षित हो, आगे बढ़े। मध्यप्रदेश हो या भोपाल हो या देश हो, उसका सम्मान दुनिया में बढ़े। और हम लोग विदेशी जो आने वाला संकट है बड़ी बड़ी कंपनियों का, उसका भी मुकाबला कर सके। नहीं तो मैं आपको एक और आखिरी उदाहरण देकर अपनी जगह पे बैठता हूं कि पार्ले हिंदुस्तान की सबसे बड़ी बिस्कुट की कंपनी है, या समझिए एशिया की सबसे बड़ी बिस्कुट की कंपनी है। जब पेप्सी और कोकोला हमारे देश में नहीं आई थी तो पार्ले का थम्सअप आता था, लेकिन पार्ले समझ गया इतने बड़े लोगों का मैं मुकाबला नहीं कर सकता हूं। उन्होंने 500 करोड़ रुपए लेके और थम्सअप अपनी उनको बेच दी। अच्छा हुआ और शगुन में रहे, नहीं तो उनके कॉम्पिटिशन में वो ठहरते, वो 500 करोड़ भी जाते और 500 करोड़ कैसे कर्ज लाके और लगाने पड़ते। तो ऐसी परिस्थिति में पत्रकार जगत के मालिकों से भी निवेदन है कि उतने ही खर्चे बढ़ाएं जिससे उनका काम चल सके। मैं एक छोटी सी बात और कहता हूं कि हमारी कभी इच्छा होती कोई विज्ञापन देने की, कि किसी एक अखबार में कोई दिन हुआ, कोई परिस्थिति हुई, विज्ञापन दे दे, भाई साहब देने में डर लगता है, एक को देंगे 9 नाराज हो जाएंगे, उस परिस्थिति में भी आपका नुकसान है।
यदि कोई छोटा आदमी है सोचता हम 2-5-10 हजार के विज्ञापन में हमारे नेता को खुश कर ले या किसी परिस्थिति को खुश कर ले, हमने विज्ञापन दिया और दूसरे दिन हमारे पास दूसरे प्रेस से डंडे पड़े, तो आपने जो 2-5 हजार हम दे रहे थे उसका भी नुकसान कर लिया। तो थोड़ा सा हमारी परिस्थिति को भी तो देखें। मैं अभी की बात है, हमने हमीदिया हॉस्पिटल में नेताजी के जन्मदिन पे ईमानदारी से कार्यक्रम किया, वहां के अस्पताल के लोगों के लिए, उनके परिजनों के लिए, वहां पे जो मरीज रहते थे उनसे मिलने जुलने वालों के लिए हमने सोचा कुछ नया कार्यक्रम करें जिससे मानवता की सेवा हो, और वो सेवा करेंगे तो शायद दूसरे प्रेरणा लेके किसी के जन्मदिन पे ऐसा काम करेंगे। वो साहब वो खबर नहीं छपेगी क्योंकि विज्ञापन से जुड़ी हुई खबर है। यदि हम जो कर रहे हैं वो समाज के लिए हो, समाज को आगे बढ़ाने के लिए हो, यदि हमारे कोई अच्छे काम हो उसको भी थोड़ी सी जगह दे दे तो आपकी कृपा होगी, लेकिन हो समाज को आगे बढ़ाने के लिए। हमारी गलती हो तो इस तरीके से समझाने की कोशिश करें कि हम गलती दूर करें। साथियों, आपने मुझे यहाँ बुलाया, बोलने का मौका दिया,